हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स, और इस वीडियो हम लोग जानेंगे 13 अक्टूबर 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो के अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है। ऑप्शन से गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, और ऑप्शन डी लद्दाख। तो प्रश्न संख्या एक का सही जवाब ऑप्शन डी लद्दाख। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को लद्दाख में स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या दो है कि हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है। ऑप्शन से उत्तर कोरिया ने, ऑप्शन बी भारत ने, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने, और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो प्रश्न संख्या दो का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया ने। प्रश्न संख्या तीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। ऑप्शन से गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी वाराणसी। तो प्रश्न संख्या तीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। प्रश्न संख्या चार है कि हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या चार का सही जवाब ऑप्शन है बिहार ने। प्रश्न संख्या पाँच है कि हाल ही में कहाँ हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन से गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, और ऑप्शन डी वाराणसी। तो प्रश्न संख्या पाँच का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली में। प्रश्न संख्या छः है कि भारत का वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। ऑप्शन से 320 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 350 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 380 बिलियन डॉलर, और ऑप्शन डी 450 बिलियन डॉलर। तो प्रश्न संख्या छः का सही जवाब ऑप्शन बी 350 बिलियन डॉलर। प्रश्न संख्या सात है, भारत ने शाहजहां में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत में अध्ययन अभियान शुरू किया है। ऑप्शन से 15वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 20वां, और ऑप्शन डी 19वां। प्रश्न संख्या सात का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 20वां। प्रश्न संख्या आठ है कि वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़कर कितने बिलियन हो गया है। ऑप्शन से 50.97 बिलियन, ऑप्शन बी 70.97 बिलियन, ऑप्शन सी 78.97 बिलियन, और ऑप्शन डी 88.97 बिलियन। प्रश्न संख्या आठ का सही जवाब ऑप्शन सी 78.97 बिलियन। प्रश्न संख्या नौ है कि FSII की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि हो रही है। ऑप्शन से 62,000 करोड़, ऑप्शन बी 72,000 करोड़, ऑप्शन सी 82,000 करोड़, और ऑप्शन डी 92,000 करोड़। तो
संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन डी 92,000 करोड़। प्रश्न संख्या 10 के हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब में कितने करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की मंजूरी दी है? ऑप्शन से 4,209 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 4,390 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4,490 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 4,540 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन सी 4,406 करोड़ रुपये। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए 250 मिलियन डॉलर देने का संकल्प लिया है? ऑप्शन से उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी भारत ने। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? ऑप्शन से जाक्सा ने, ऑप्शन बी नासा ने, ऑप्शन सी स्पेस एक्स ने और ऑप्शन डी इसरो ने। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन सी बी नासा ने। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में किसने भारत एशियान संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन से पीयूष गोयल ने, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी जगत प्रकाश नड्डा ने और ऑप्शन डी राजनाथ सिंह ने। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14 है कि हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से गांधीनगर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी वाराणसी। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन से कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन से कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे साइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन से गांधीनगर में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन डी श्रीनगर। प्रश्न संख्या 17 कि बांग्लादेश से किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन से शकीबुल हसन ने, ऑप्शन बी मोहम्मदुल्ला ने, ऑप्शन सी तास्किन अहमद ने और ऑप्शन डी डन दास ने। प्रश्न संख्या 17 बांग्लादेश के ऑलराउंडर मोहम्मदुल्ला ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है कल ही, मतलब भारत के खिलाफ जो तीसरा T20I मैच जो मोहम्मदुल्ला ने खेला यही उनके T20I क्रिकेट का अंतिम मैच था। प्रश्न संख्या 18 है कि केरल की पहली महिला IPS अधिकारी आर श्रीलेखा किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गई है? ऑप्शन से कांग्रेस, ऑप्शन बी भाजपा, ऑप्शन सी CPIM और ऑप्शन डी आप। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी भाजपा में। प्रश्न संख्या 19 है
कि राष्ट्रीय खेलों में विंटर गेम्स शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन बी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 20 है, किसी भी टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम द्वारा T20I का सबसे बड़ा स्कोर क्या है। ऑप्शन से 315, ऑप्शन बी 296, ऑप्शन सी 297 और ऑप्शन डी 298। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब 297। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीमों में सबसे अधिक भारत ने T20I में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कल ही यानी 12 अक्टूबर 2024 को भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए हैदराबाद में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 21, कि टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली टीम द्वारा T20I का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है। ऑप्शन से इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन बी भारत के नाम है T20I में सबसे अधिक रन एक पारी में बनाने का रिकॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जो आधारित था 13 अक्टूबर 2024 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।